ओके सो हे गाइज, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर पेपल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं दो कमांड के बारे में। मैंने दो कमांड रखी है सिंगल वीडियो में, बिकॉज ये दोनों कमांड छोटी छोटी हैं, लेकिन इसका काम और इसका यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विच कमांड के बारे में एंड व्हाट इज कमांड के बारे में। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये दोनों कमांड क्या है। पहले जानते हैं विच कमांड के बारे में। विच कमांड, द विच कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड टू लोकेट द एग्जीक्यूटेबल और स्क्रिप्ट एसोसिएटेड विद द गिवन कमांड। सो बेसिकली हम लिनक्स में क्या करते हैं, बहुत सारे कमांड के यूज करते हैं, जैसे कि mkdir, cd, ls, ऐसे बहुत सारे कमांड हमने अभी तक पढ़े हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो विच कमांड है वो हमें लोकेट करके दिखाता है उसका पाथ, कि एक्चुअली में जो हम कमांड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर बेसिकली हम ls कमांड यूज़ करते हैं, तो ls कमांड एक्चुअली में कहाँ स्टोर है, ओके, और उसके साथ कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल है या फिर स्क्रिप्ट है, वो हमें इसकी लोकेशन ये हमें प्रोवाइड करा के देता है। व्हेन यू रन विच फॉलो बाई द कमांड नेम, इट डिस्प्लेज द पाथ टू द बाइनरी और स्क्रिप्ट फाइल दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन यू यूज दैट कमांड। ओके, सो जैसे मैंने बताया आपको, ये हमें क्या करता है, पाथ देता है, कि एक्चुअली में जो ls कमांड है, हम करते हैं ls, तो एक क्या होता है, ls एक कमांड, तो वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट होगा तो या तो बाइनरी फाइल होगी बेसिकली, या फिर एक वो स्क्रिप्ट फाइल होगी। सो उसका पाथ क्या है, वो कहाँ पर स्टोर है, वो हमें विच कमांड हमें प्रिंट करके देता है टर्मिनल पे, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में वो कमांड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर है हमारे सिस्टम में। इफ़ यू रन विच ls, इट विल शो द पाथ टू द ls कमांड एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अगर हम लिखेंगे बेसिकली विच स्पेस के फिर कमांड नेम, जैसे कि ls, तो ये मैं शो करेगा कि ls कमांड का जो बेसिकली पाथ कहाँ है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ है। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज कमांड के बारे में। द व्हाट इज कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और मैनुअल पेज समरीज ऑफ कमांड। तो बेसिकली बहुत सारे कमांड है, ls कमांड, mkdir कमांड। तो बेसिकली अगर आपको पता नहीं है बेसिकली कि ये mkdir कमांड क्या है, या फिर कोई भी कमांड लिनक्स में आपका सिस्टम में है उस बारे में आपको पता नहीं है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं व्हाट इज, फिर स्पेस देख के उस कमांड का नाम, तो उसके बारे में हमें एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो कमांड किस काम में आता है। ओके, व्हेन यू रन व्हाट इज फॉलोड बाई कमांड नेम, इट प्रोवाइड्स ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमांड पर्पस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रनिंग व्हाट इज ls वुड गिव यू ए कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ls कमांड विच इज यूज टू लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ओके, नेक्स्ट है, बोथ विच एंड व्हाट इज आर हेल्पफुल फॉर क्विकली आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ ए कमांड्स एग्जीक्यूटेबल एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स बेसिक फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली ये दोनों कमांड है, विच एंड व्हाट इज, इसके यूज से हम बेसिकली विच से पता कर सकते हैं कि लोकेशन क्या है किसी कमांड की, और बेसिकली व्हाट इज से हम पता कर सकते हैं कि ये किस काम में आता है। ओके, तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे लाइव करके देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं आ चुके हैं अपने टर्मिनल के अंदर बेसिकली, और सबसे पहले जो कमांड है जो कि है विच, इसको हम देखते हैं। सो विच ls करते हैं एंटर, तो आप देख सकते हैं जो ls कमांड है उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ है, रूट यूजर बिन ls। ओके, तो अगर हम बेसिकली यहाँ पे जाएं, बिन मतलब होता है बाइनरी, तो cd usr bin और एंटर करते हैं, फिर करते हैं ls, यहाँ पे सारी कमांड्स बेसिकली यहीं पे स्टोर होती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली, तो ये रही हमारी ls कमांड। ओके, ये रही हमारी ls की एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो हम टर्मिनल को करते हैं क्लियर, वहाँ तो वापस होम डायरेक्टरी पे, और दोबारा कमांड लिखते हैं विच mkdir। तो बेसिकली जितनी सारे कमांड्स होती हैं बेसिकली वो सारी की सारी यूज़र और बेसिकली बाइनरी नाम की डायरेक्टरी के अंदर ही होती है, ठीक है। तो हम काम करते हैं, जैसे कि चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में जावा कहाँ इंस्टॉल है। ओके, तो हम लिखते हैं विच जावा, तो जैसे देखते हैं यहाँ पे यूज़र बिन जावा, ठीक है। तो बेसिकली इस कमांड के थ्रू आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में किसी नाम का पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं, जैसे कि विच कर्ल, ठीक है। ओके, इसका लोकेशन में देखने को मिल गई। सो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं विच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज कमांड के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज स्पेस ls, ठीक है।
ठीक है, करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा लिस्ट डायरेक्टरीज कंटेंट्स, ठीक है। फिर लिखते हैं व्हाट इज mkdir, तो आप देख सकते हैं मेक डायरेक्टरीज क्रिएट डायरेक्टरीज, ठीक है। व्हाट इज cd, तो इसको तो इसका ऑप्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है। फिर लिखते हैं व्हाट इज curl, सो ट्रांसफर ए URL। तो इस तरीके से आप विच एंड व्हाट इज कमांड का इस्तेमाल करके चीज़ों को काफ़ी कम टाइम में उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइस ये छोटी सी कमांड है बेसिकली दोनों, लेकिन ये काफ़ी टाइम हम इसे यूज़ करते हैं। सो अगर आपको किसी कमांड बारे में जानना है कि कौन सा कमांड से क्या काम होता है, तो आप लिखिए व्हाट इज फिर उस कमांड का नाम, तो वो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो बस आज के इतना ही, उम्मीद दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।